नमस्कार, मैं हूं रजत। मेरा चैनल बैंकिंग विद रजत में मैं आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज मेरा टॉपिक फ्लोर बेस पजल, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम जो IDBI एग्ज़ाम है या SBI एग्ज़ाम या SBI PO क्लॉक, जो भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये जैसा पजल ही आता है, फ्लोर बेस पजल। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ किया है। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी नहीं देखा मेरा पहला वीडियो, प्लीज़ जाइए सर्च करिए, मेरा प्लेलिस्ट लिखा है, बैंकिंग वीडियो लिखा है, रीजनिंग और मैथ आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने यहाँ पे दो फ्लोर बना दिया, ऑलरेडी बॉक्स बना दिया, क्योंकि अभी बनाया तो आपको टाइम लगेगा वीडियो में, इसलिए मैं ऑलरेडी दो बनाया। क्यों दो बनाया मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने दो बना दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है 7% आपको ABCD EFG मिलेगा, जो कि सेपरेट फ्लोर में सेटिंग करते हैं, तो फ्लोर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर आपको 1 होगा और सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपको 2 मिलेगा, टोटल 7 फ्लोर आपको मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर 1 और लास्ट फ्लोर टॉप फ्लोर आपको 7 मिलेगा। सभी फ्लोर में एक एक कार है, जो पर्सन उसका एक एक कार है, ABCDEFGH पर्सन उसका कार है, जैसे कि कार का नेम है कार्डियालक, एम्बेसडर, फियात, मारुति, मर्सिडेज, बेडफोर्ड, फॉर्गो, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। मतलब आपको वो ऑर्डर में नहीं बैठा है, कौन कहाँ बैठेगा आपको पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बताएगा कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं टेबल पे लिखता हूँ, देखिए टेबल में ये लिखता हूँ कि सीरियल नंबर, पर्सन, कार। यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्सन, कार, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3 यहाँ पे 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 हो गया। देखिए यहाँ पे भी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। ए वाला सेकंड कॉलम पर्सन का और थर्ड कॉलम आपको कार मिलेगा, कार का नेम, दोनों टेबल मैंने बना दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको फिलअप करते हैं। देखिए, ओनली 3 पीपुल लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है ओनली 3 पीपुल लिव एबव फ्लोर ऑन व्हिच ए लिव। आपका ये जहां पे बैठा है आपको 3% मिल जाएगा बैठने के लिए, ठीक है। देखिए, एक ऊपर 3% बैठेगा, मतलब ये कहां पर होगा, डेफिनेटली ए होगा फोर में, ठीक है। और क्या लिखा है, देखिए एफ लिव इमीडिएटली बिलो द वन, नहीं लिखा है ओनली, हाँ लिखा है, देखिए यहां पे ओनली 1% लिव बिटवीन ए एंड द वन हैविंग कार कार्डियालक। देखिए, कार्डियालक और ए के बीच 1% बैठा है, मैंने दो टेबल बनाया। देखिए कार्डियालक, देखिए ए के नीचे, देखिए एक बॉक्स छोड़ के कार्डियालक यहां हो सकता है, कार्डियालक, ठीक है। और ऊपर ए टेबल में मैं ऊपर रखूंगा, क्योंकि दो पॉसिबल चाहिए मुझे, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इसलिए मैं दो टेबल लिया, ठीक है। यहां पे होगा आपका
कारिया लाख, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखिए, एफ लीव्स, यहां लिखा है एफ लीव्स इमीडिएटली बिलो वन हैविंग बेडफोर्ड कार्ड। देखिए यहां पे नीचे देखिए, मैं एक लिखता हूं एक पॉसिबिलिटीज, ये वन में होगा। क्या लिखिए, बेडफोर्ड को इमीडिएटली, मतलब यहां बेडफोर्ड लिखा है, उसके नीचे होगा आपको एफ, ए पॉसिबिलिटी वन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर करते हैं नीचे, नीचे ऐसे लिखता हूं कि आपको इजी होगा। द वन हैविंग कार बेडफोर्ड लीव इविन नंबर, देखिए ए वाला आपको इविन नंबर मिलेगा, इविन में ही आपको मिलेगा, बेडफोर्ड जहां बैठेगा इविन ही बैठेगा, मतलब चार दो छह ऐसे ही नंबर पे आपको बेडफोर्ड मिलेगा। ओनली थ्री पीपुल लिव बिटवीन वन हैविंग कार्यालक एंड मारुति, देखिए कार्यालक इस टेबल में फर्स्ट टेबल में यहां बैठा है, तो थ्री पीपुल मतलब आपको ऊपर मिलेगा, क्योंकि नीचे ओनली टू टेबल है, वन टू थ्री, आपको मारुति यहां बैठेगा मारुति। लेकिन यहां देखिए कार्यालय के ऊपर दो टेबल है, इसलिए तीन है, वन टू थ्री आपको मारुति यहां आपको मिलेगा, ठीक है। फिर चलते देखिए क्या लिखा है, ई लीव्स इमीडिएटली अबव सी, देखिए सी तो कहां बैठेगा मुझे पता नहीं, इसलिए नीचे लगता हूं कि ई लीव्स इमीडिएटली अबव सी, मतलब सी यहां पे होगा और ऊपर ई होगा, ये आपका पॉसिबल टू मानते, ठीक है। ई नॉट हैविंग मारुति कार, देखिए मारुति जहां पे होगा वहां पे आपको ई नहीं मिलेगा, यहां पे ई नहीं होगा, या यहां पे आपको ई नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली टू पीपुल लिखा है, देखिए ओनली टू पीपुल लिव बिटवीन बी एंड वन हैविंग फॉरगो, देखिए यहां पे नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या, पता नहीं कि बी कहां बैठे है पता नहीं, इसलिए मैं एक फिर नीचे लगता हूं कि आपको मिलेगा ओनली थ्री पीपुल, सॉरी ओनली टू पीपुल बिटवीन बी और हैविंग कार फॉरगो, द कार फॉरगो लिव्स बिलो बी, मतलब बी यहां पे होगा आपका दोनों पर्सन, नीचे होगा आपका फॉरगो, ठीक है। ये आपका हो गया थ्री पॉसिबिलिटीज, वन टू थ्री, नीचे लिखा मैंने थ्री, ये जो पॉसिबिलिटी है मैं उसको एक टेबल में पुट करूंगा, ठीक है। देखिए लिखा है क्या, द वन हैविंग कार थायत डज नॉट लिव इम्यूनिटी अबव और इम्यूनिटी बिलो बी, देखिए डी और बी के बिलो और अबव आपको फायत कार नहीं होगा, नहीं रहेगा, ठीक है। डी डज नॉट लिव इम्यूनिटी अबव इम्यूनिटी बिलो ए, आपको ये के ऊपर, ए के ऊपर और नीचे आपको डी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब लिखा है। ठीक है, जी डज नॉट हैव एम्बेसडर का, देखिए ये सब छोड़ दीजिए, पहले जो तीन मिला पॉसिबिलिटी उसको देखिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि बेडफोर्ड रहेगा इविन नंबर पे, उसके इमीडिएटली बिलो रहेगा आपको एफ, एफ मिलेगा। देखिए इविन नंबर पे देखिए ऑलरेडी सिक्स का पोजीशन में मारुति है टेबल फास्ट में, और फोर में आपको खाली मिला है, लेकिन टू में ऑलरेडी कार्डियालय मौजूद है, इसलिए आपको ओनली वन पोजीशन बाकी है इविन का, क्या है फोर फ्लोर का, इसलिए आपको यहां लिख दीजिए कि बेड फोर, यहां होगा आपको बेडफोर्ड मिलेगा। बेडफोर्ड को नीचे कौन होगा, एफ होगा, इमीडिएट नीचे, मतलब उसका जो टोटल इमीडिएट सबसे इमीडिएट मतलब फोर का इमीडिएट थ्री, इसलिए एफ बैठेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ए टेबल में देखिए कहां बैठेगा, देखिए आपका ऑलरेडी सिक्स जो इवन डिजिट वाला वो कार्यालय बैठा है टेबल टू में, और टू में मारुति बैठा है, इसलिए आपको मिलेगा ओनली फोर मिलेगा, इसलिए बेडफोर्ड यहां बैठे,
और इमिडिएटली एफ बैठेगा, ठीक है। ये हो गया आपको खत्म हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कहाँ लिखा है देखिए, सी लीव सी सिटिंग इमिडिएटली बिलो ई। देखिए यहां पे सी कहां पर बैठा है, देखिए सी यहां पे कहां बैठेगा, देखिए नहीं सी तो सी को बाद में देखिए, पॉसिबिलिटी आपको थ्री देखिए क्योंकि थ्री बड़ा वाला पॉसिबिलिटी, इसीलिए देखिए बी और फॉरगो कार जो है उसके बीच टू पर्सन बैठेगा, बी ऊपर रहेगा, बी ऊपर रहेगा और फॉरगो रहेगा नीचे, कार फॉरगो और उसके बीच दो पर्सन बैठेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल देखिए, यदि बी में सेवन पे लिखता हूँ ठीक है और दोनों बीच सिक्स फाइव के बाद बेडफोर ऑलरेडी है, यहाँ पे फॉरगो बैठ नहीं सकता, समझा या नहीं। देखिए यदि मैं बी को सेवन पे रखता हूँ और उसके दोनों फ्लोर के बीच क्या होगा, फॉरगो होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बेडफोर है इसलिए बी सेवन पे नहीं होगा। और देखिए सिक्स में देखिए, यदि बी में सिक्स में लिखूंगा और दोनों फाइव फोर छोड़ के थ्री में होगा फॉरगो, ऐसा ही पॉसिबल है ठीक है नहीं। यदि बी में टू पर रखूंगा लेकिन ओनली टू फ्लोर बाकी है इसलिए टू में नहीं होगा या सेवन में नहीं होगा, ओनली बी बैठेगा आपको सिक्स पे और दो फ्लोर छोड़ के बसेगा आपको फॉरगो, समझा या नहीं। ये टेबल वन में। टेबल टू देखिए, यदि मैं बी रखूंगा सेवन पे तो सिक्स फाइव छोड़ के फोर में बैठेगा फॉरगो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बेड फोर है इसलिए बी यदि सिक्स पे रखूंगा ठीक है और दोनों टेबल छोड़ के आपको मिल जाएगा एफ पे फॉरगो, यहाँ फॉरगो बैठ सकता है, ये वाला हो गया आपको दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है। चलिए ये आपका हो गया खत्म, थ्री वाला पॉसिबिलिटी केस खत्म हो गया। टू क्या लिखे, देखिए टू लिखा है कि ई का इमिडिएटली बिलो सी होगा। देखिए यहां पर दोनों फ्लोर कहां पे जो सेम है मतलब खाली है, देखिए ऊपर टेबल वन में देखिए ओनली बाकी है टू और वन, ये दोनों फ्लोर टू और वन बाकी है, ए वाला बाकी है ए वाला बाकी, इसीलिए मैं ई यहां लिखता हूं और सी आपको नीचे रखता हूं ठीक है हो गया। और देखिए यहां पे भी आपको ऐसे ही कंसिक्वेंट मिलेगा कि टू वन ई और यहां पे सी ठीक है, ए हो गया। देखिए फिर क्या लिखा है, ए आपका सब पॉसिबिलिटी नीचे जो लिखा है सब फिलअप हो गया। फिर क्या लिखे देखिए, द वन डी डज नॉट लीव एबव इमिडिएटली बिलो ए, ये यहां पर है देखिए टेबल फर्स्ट में, तो डी यहां नहीं होगा, तो डी होगा कहां पे, सेवन पे होगा ठीक है नहीं ठीक है। लेकिन टेबल टू देखिए, डी यहां पर नहीं होगा, होगा कहां पर, आपको भी डी मिलेगा सेवन पे ठीक है नहीं ठीक है। और बाकी कौन बचा, जी बचा, यहाँ पर जी फिलअप करिए, यहाँ पर जी फिलअप करिए ठीक है। ए पर्सन हो गया अरेंज, लेकिन कार होना है अरेंज। क्या लिखा है देखिए, द वन हैविंग फायर डज नॉट लीव इमिडिएटली डी एबव डी और बिलो बी। देखिए टेबल वन देखिए, डी के ऊपर तो कोई जगह नहीं है और ए लिखा है बी के बिलो और एबव, डी के बिलो एबव आपको फायद कार नहीं बैठेगा। टेबल वन देखिए मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, होगा कहाँ पे, सी पे होगा मतलब वन पे होगा फायद कार होगा।
ए पॉसिबिलिटी एक हो गया। देखिए टेबल टू चलते हैं, आपको बी के नीचे यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे भी तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे इम्यूनिटी ऊपर इम्यूनिटी नीचे नहीं होगा, इसलिए फायद यहाँ पे होगा, दोनों टेबल सही है। लेकिन और एक बाकी है, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि जी डज नॉट हैव एम्बेसडर कार, नहीं और एक बाकी है, देखिए द वन हैविंग बेडफोर्ड कार इमिडिएटली ई लिव्स इमिडिएटली अबव सी ई डज नॉट मारुति, द ओनली टू पीपल लिव बिटवीन बी एंड वन हैविंग कार फॉरगो, द हैविंग कार फॉरगो लिव इमिडिएटली अबव बी, द वन हैविंग कार फायर डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव बिलो बी, डी डज नॉट लिव इमिडिएटली अबव और बिलो ए, डी डज नॉट हैव एम्बेसडर कार। देखिए एक, देखिए ये बोला टेबल फर्स्ट में लिखा है कि जी आपका एम्बेसडर कार नहीं होगा, तो होगा कौन, डेफिनेटली होगा डी वाला, आपको मिलेगा एम्बेसडर कार और जी मिल जाएगा आपको, क्या बाकी है, क्या है, मर्सिडेज, ये मिल जाएगा मर्सिडेज, ठीक है। ए हो गया कंप्लीट, लेकिन बी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ई नॉट हैव मारुति कार, देखिए यहां पे ई का मारुति नहीं है लेकिन यहां पे ऑलरेडी मारुति ई का है, इसलिए ए हो गया आपका गलत, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है देखिए ई नॉट हैविंग मारुति कार, लेकिन यहां पे ऑलरेडी मारुति ई में है, इसलिए ए हो गया टेबल गलत, ओनली टेबल वन आपका मिला सही, ठीक है। ऐसे आपको तीन पॉसिबिलिटी कर नीचे करना है और पॉसिबिलिटी को आपको फिलअप करना है, मैंने इसे आपको समझा है इसलिए टाइम लगा समझने के लिए, तो आप इसे करेंगे तो इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैक्सिमम ये जो पजल जितना बड़ा होगा दो वेरिएबल आपको मैक्सिमम 4 मिनट में आपको आप कर पाएंगे इसे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन आपको जो ही पूछा है मतलब पूछेगा कि आपको डी और जी के बीच कौन है, आपको मिलेगा बी, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जी के इमीडिएट अबव कौन है, जी के इमीडिएट अबव आपको बी मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इजी कम से कम 1 मिनट या आधा मिनट आप कर पाओगे क्योंकि एक बार बना लिया तो आपको करने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको आएगा मुझे पता है, ये था जो पजल फ्लोर बेस पजल, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आपको समझने में इजी होगा इसलिए मैं धीरे धीरे बोला, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और तब तक हैव ए नाइस डे।